हेलो दोस्तों, मैं आपको UPPSL और इलाहाबाद हाई कोर्ट स्टेनो और ग्रुप सी के बारे में कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बताने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनेगा, ठीक है? टाइपिंग से रिलेटेड जो प्रॉब्लम आपको क्रिएट होगी, जो आपको डाउट चल रहा होगा, वो मैं इसमें क्लियर कर दूंगा, ठीक? तो देख लीजिए। देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि दोनों में जो फॉन्ट है वो अलग अलग है, ठीक है? एक में कृतदेव मांगा है, एक में मंगल फॉन्ट मांगा है। अब प्रॉब्लम देखिए, प्रॉब्लम चीज़ें मैं बताता हूँ, फिर उसके बाद समझाता हूँ आपको। देखिए, UPPSL कैंप असिस्टेंट में 24 पोस्टें हैं टोटल, ठीक है? जिसमें हिंदी स्टेनोग्राफर के लिए जो आपकी जो मांगा गया है वो 60 वर्ड पर मिनट है, ठीक? पहला चीज़, ठीक है? और इसमें क्या है कि मतलब कंप्यूटर जो हिंदी टाइपिंग होगा 30 वर्ड पर मिनट, ठीक है? और जो फॉन्ट होगी कृतिदेव 0, 1, 10 या 16, ठीक है? दो में से एक हो जाएगा, ठीक? पहला। दूसरा, UPPSL एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट में 1273 पोस्ट हैं, हिंदी टाइपिंग है, ठीक है? वो तो आपको मालूम ही है, 30 वर्ड पर मिनट, और कृतिदेव फाउंड है 0, 1, 10 या 16 प्लस में इंग्लिश टाइपिंग, ठीक है? या तो हिंदी कर लीजिए या इंग्लिश, दोनों करते हैं तो आपको उसका एडिशनल मार्क, ठीक? अच्छा, बात करते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट की। तो इसमें क्या है, टोटल 881 पोस्टें हैं, ठीक है? स्टेनो की, ठीक है, शॉर्ट हैंड आपको 80 वर्ड पर मिनट, ठीक है, शॉर्ट हैंड, और ठीक है, जो शॉर्ट हैंड करा जाएगा वो 30 वर्ड पर मिनट होगा। जूनियर असिस्टेंट ग्रुप सी की बात करते हैं, तो हिंदी टाइपिंग में 25 वर्ड पर मिनट और इंग्लिश टाइपिंग में 30 वर्ड पर मिनट, लेकिन यहाँ मंगल फॉन्ट है, ठीक? देखिए, UPPSL कैंप असिस्टेंट में पोस्टें कम हैं, लेकिन समस्या क्या हो रही है कि आपने सभी इसको भी भरा होगा, इलाहाबाद हाई कोर्ट का भी, ठीक है? इन केस आपका जो मान लीजिए 100 लोग हैं, ठीक है, 100 में से हम कहते हैं कि 30% लोगों का पेपर अच्छा हुआ होगा, ठीक है? इतना मानते हैं, तब भी आया था, ठीक है, 30% लोगों का पेपर अच्छा हुआ होगा। अब इनके साथ प्रॉब्लम क्या है कि अगर इनका ये पेपर अच्छा हुआ है तो इलाहाबाद हाई कोर्ट का भी इनने दिया होगा, और इलाहाबाद हाई कोर्ट का जब एग्ज़ाम दिया होगा तो क्या होगा कि कहीं ना कहीं इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो स्टेनो का पेपर हुआ था वो टफ हुआ था, ठीक है, ईजी नहीं था। तो 55 से 60 के बीच में जिसका बन रहा तो ठीक ही है ना, अच्छी बात है, ठीक का नहीं होना अच्छी बात है, ठीक है? बहुत मैथ टफ आई थी, ठीक? तो 30 नंबर जिसका मतलब 30% लोग का क्या होगा कि टाइपिंग सब चीज़ें ठीक है, कृतिदेव ऑफ मंगल में प्रॉब्लम हो रही होगी, क्योंकि दोनों के फॉन्ट अलग अलग हैं, तो उसको सामंजस्य बैठाना थोड़ा सा टफ है, ठीक? क्योंकि UPPSL पहले आया था, इलाहाबाद हाई कोर्ट बाद में आया है। समस्या ये है कि कहीं अगर आपका UPPSL पहले हो गया, मतलब UPPSL लेट कर रहा है, और इलाहाबाद हाई कोर्ट का मान लीजिए रिजल्ट निकाल के टाइपिंग के लिए कॉल कर दी, तो कहीं ना कहीं मिसमैच हो जाएगा और टाइपिंग पे इफ़ेक्ट डालेगा। तो अब आपको करना क्या है, देखिए, इसमें जो आपका कृतिदेव फाउंट है, बहुत लोग बहुत समय से सीख रहे होंगे, ठीक है, काफ़ी टाइम दिए होंगे, तो ये आप मान लीजिए कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ अभी मॉडिफाई हो, मेरे अकॉर्डिंग ना हो, ठीक है? क्योंकि 24 पोस्ट की बात नहीं हो रही, हो ये है यहाँ पे 1273, ठीक है? क्योंकि इसका पेपर बहुत टफ बना था, मेरिट कम जानी चाहिए, ठीक, मेरे अकॉर्डिंग। बाकी कैसे जा सकती तो वो नहीं बता सकता हूँ मैं, लेकिन मुझे लगता है कि जो आपका कंप्यूटर बहुत टफ आया था, ठीक है, मेरिट कम जानी चाहिए। तो यहाँ पे आपका जो टोटल देख लीजिए, ये मतलब 24 पोस्टें और 1273 पोस्टें हैं, ठीक? जिसने को जिसकी टाइपिंग अच्छी होगी वो निकालेगा, पहली बात, कंप्यूटर सेक्शन क्लियर होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि वो स्किल में बैठेगा, लेकिन कृतिदेव फाउंड है, ठीक है? तो अगर आप पहले से कृतिदेव स्टार्ट कर रहे हैं तो अभी मंगल की तरफ ना जाइए, मेरे अकॉर्डिंग। जब आपका रिजल्ट आ जाए, जब इलाहाबाद हाई कोर्ट में टाइमिंग दे दे 1-1.5 महीना, तो वो क्या है कि आपको फॉन्ट चेंज करना है, इजी नहीं है, लेकिन आप चेंज कर लोगे, ठीक है, अपने को उस लेवल पे डाल लोगे, ठीक। बात करते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट की, तो इसमें भी पोस्टें कम नहीं, 881 पोस्टें हैं, ठीक है? इससे अच्छी पोस्टें हैं, कहीं पे भी आप जाओगे इलाहाबाद हाई कोर्ट का, अगर लिख दोगे ना कि गाड़ी पे आप लिखवा दोगे ना, तो आदमी ऐसे ही डरेगा, वो पूछेगा ही नहीं आप क्या हो। लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट आपने डाला ना गाड़ी पे, जैसे पुलिस वाले लिखते हैं ऊपर, लोगों लगा देते हैं, आपने लगाए तो समझ लीजिए आप एकदम अलग लगेंगे, ठीक है? मतलब अलग का मतलब है कि आप पावरफुल लगेंगे, भले कुछ भी हो, ठीक है? तो इलाहाबाद हाई कोर्ट का टाइपिंग मतलब लोगो ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है, इसमें मांग दी गई है मंगल फॉन्ट, ठीक है, मंगल फॉन्ट मांगी गई है, मैथ बहुत टफ था, मेरिट कम जाएगी, ठीक।
बहुत भीड़ थी, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, बहुत ज़्यादा भीड़ थी, कम नहीं थी। ठीक है, मेरिट कम जाएगी। अब इसमें अब डिफरेंसेस ये है कि वही टाइपिंग वाला लोचा है आपके साथ, तो टाइपिंग को आप एडजस्ट कर लीजिए। टाइपिंग मेरे अकॉर्डिंग तो आप ना शिफ्ट करिएगा, कुर्ती देव कर रहे हैं तो करते रहिए करते रहिए करते रहिए, जैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट का आपको समय मिल जाए, और ईश्वर करे आपका पेपर पहले हो जाए, ठीक है, टाइपिंग पहले हो जाए इलाहाबाद हाई कोर्ट से, ताकि आपको टाइम मिल जाए। क्योंकि जिस अकॉर्डिंग लास्ट ईयर मैंने देखा था कैंपस असिस्टेंट में, बहुत समय नहीं दिया था, ठीक है, एक एक महीने का गैप दिया था, तो उस हिसाब से अगर आपकी टाइपिंग बहुत अच्छी है तो डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ चेंज करना होगा, ठीक है, मतलब दूसरे पे जाना होगा, दूसरे फॉन्ट पे, तो आप करते रहिए। उसके बाद ग्रुप सी का अभी पेपर हुआ नहीं है, होने वाला है 18 को, ठीक है, जिसमें क्या है कि आपका 819 पोस्टें हैं, तो सेम भरा सभी ने होगा, जिसको स्टेनो आती होगी तो भरा तो पूरा होगा, प्रॉब्लम वही है। तो मैंने आपको ये बता दिया कि अगर आप भी आप लगे हो तो इसी में लगे रहो, बाद में शिफ्ट चेंज करो, ठीक है, एक महीने का टाइम मिल जाएगा, डिपेंड है कि कब ये रिजल्ट घोषित करते हैं, कितने दिन के लिए स्किल के लिए बुला लेते हैं, ठीक है, बस ये हो कि इलाहाबाद हाईकोर्ट और UPPCL के बीच में कम से कम एक महीने का गैप हो टाइपिंग में, तो आप समझ लीजिए निश्चित रूप से आप मतलब 10 से 15 दिन लगेगा आपको उस फॉन्ट पे चेंज करने के लिए, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि स्पीड आपको आती है, बस आपको करेक्टर चेंज करने होंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये जो आपके दिमाग में उलझन चल रही थी वो मैंने बता दिया है, बाकी इससे रिलेटेड डाउट, कोई डाउट होगा तो आप मेरे से पूछ सकते हैं।